हेलो एवरीवन, वेलकम टू तासु अकेडमी। ये कंप्यूटर की तीसरी सीरीज़ है। ये सीरीज़ काफ़ी दिनों बाद अपलोड की जा रही है। कुछ रीज़न की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। और आरआरबी के एग्ज़ाम में आपके टोटल 40 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं, जो आपके नंबर गेन करने में काफ़ी यूजफुल होंगे। तो सारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और ये कंप्यूटर की मैंने आपसे कहा था कि 30 सीरीज़ आपके एग्ज़ाम तक आ जाएगी। कुछ रीज़न की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। अब तो एग्ज़ाम की डेट भी बढ़ गई है, थोड़ा टाइम आपको मिल गया है, तो आप सपोर्ट करिए हमें। और आपका सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, आपके कमेंट आए हुए थे कि हमें क्वेश्चन इंग्लिश में प्रोवाइड करिए। आपके इस कमेंट पे मैं काम कर रहा हूँ, और आपको बहुत जल्द ही क्वेश्चन जो है बाईलिंगुअल लैंग्वेज में, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेंगे। तब तक फ्रेंड, आप कंप्यूटर की सीरीज़ में कुछ क्वेश्चन हिंदी के लिए और कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में, आज की जो सीरीज़ है टोटल इंग्लिश की सीरीज़ है, तो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो कंप्यूटर का है कि विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइमरी आउटपुट डिवाइस। ये पूछ रहा है प्राइमरी आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर की कौन सी है। वैसे तो हम देखते हैं आउटपुट डिवाइस हमारा प्रिंटर है, इनपुट डिवाइस हमारा कीबोर्ड है, माउस हमारा भी इनपुट डिवाइस है या पॉइंटर डिवाइस कह सकते हैं। बट अगर हम प्राइमरी आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं तो वीडियो मॉनिटर है। वीडियो मॉनिटर इज़ अ प्राइमरी आउटपुट डिवाइस। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज़ अ डायरेक्टरी विद इन अ डायरेक्टरी इज़ कॉल्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार हमारे एग्ज़ाम में देखने को मिला है दोस्तों, और हमारे आने वाले एग्ज़ाम में भी ये मिल सकता है। तो इसको हम सब डायरेक्टरी बोलते हैं। डायरेक्टरी अ डायरेक्टरी विद इन अ डायरेक्टरी इज़ अ कॉल्ड सब डायरेक्टरी। फ्रेंड, एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर में कुछ लोग जैसे बीटेक होते हैं, कुछ कंप्यूटर्स ही पढ़े होते हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए कि जो कंप्यूटर नहीं पढ़े होते हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन्होंने क्वालिफाई किया है प्री का एग्ज़ाम, मीन्स अगर वो देने जा रहे हैं, चीज़ें अगर जहाँ समझ में नहीं आती हैं तो वो वहाँ रट लें, उस चीज़ों को समझ लें, क्योंकि वहाँ आपको चार पाँच ऑप्शन मिलेंगे, उस ऑप्शन में आपको टिक करना होगा। तो जो चीज़ें जहाँ समझ में नहीं आती उसे सिर्फ आप लर्न कर लें, जैसे आ डायरेक्टरी विद इन डायरेक्टरी इज़ अ कॉल्ड सब डायरेक्टली, इसे याद कर लें, रट लें, लर्न कर लें, क्योंकि आपको वहाँ ऑप्शन मिलेगा और उस ऑप्शन के बेस पे ही आपको आंसर टिक करना है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, इन विंडोज़ एक्सपी विच शॉर्टकट इज़ यूज टू साइकिल थ्रू ओपन आइटम इन टास्क बार। तो हम दबाते हैं ऑल्ट प्लस एस्केप, ऑल्ट प्लस एस्केप दबाते हैं अगर हम विंडोज़ एक्सपी में कोई शॉर्टकट यूज़ करें, साइकिल थ्रू ओपन आइटम टास्क बार। अगर हमें कोई आइटम ओपन करना है टास्क बार में, तो हम ऑल्ट एस्केप दबा देंगे तो विंडोज़ एक्सपी में खुल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, स्टोर डेटा इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन इंटैक्ट इवन आफ्टर द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है जिसका डेटा जो होता है वो रिमेन इंटैक्ट इवन आफ्टर द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। डेटा स्टोर डेटा विच, इसका आंसर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 5, SMTP, FTP एंड DNS आर अप्लीकेबल ऑफ डैश लेयर। किस लेयर में SMTP, सिंपल मेन ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड डोमेन नेम सिस्टम, ये सारे जो हैं किस एप्लीकेशन लेयर में होते हैं? तो ये आपके अप्लीकेशन लेयर में होते हैं, चाहे SMTP हो गया, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, डोमेन नेम सिस्टम हो गया। इनके फुल फॉर्म भी आप लर्न करते रहिएगा, नोट करते रहिएगा, जिससे आपके दो तीन क्वेश्चन जो फुल फॉर्म बेस्ड आते हैं वो करने में काफ़ी इजी होगा। तो एप्लीकेशन लेयर होती है, इसमें SMTP और FTP और DNS, ये सारे इस लेयर में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉमन फीचर ऑफ द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का कॉमन फीचर कौन सा नहीं है? तो विंडोज इसमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का कोई कॉमन फीचर नहीं है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फीचर में आपका मेनू मिलता है, हेल्प मिलता है, सर्च मिलता है, बट विंडोज़ का ऑप्शन वहाँ नहीं मिलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन MICR सी स्टैंड फॉर। कंप्यूटर में फुल फॉर्म के क्वेश्चन ज़रूर रहते हैं, तो उसमें सी फॉर क्या होता है? कैरेक्टर होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR। क्वेश्चन नंबर 8, अ डैश कंप्यूटर इज़ अ लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर कैपेबल ऑफ सिमटेनियसली प्रोसेसिंग डेटा फॉर हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ यूजर्स। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके RRB एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो ये होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा को फॉर हंड्रेड्स और थाउजेंड ऑफ यूजर इसको यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
द डैश फोल्डर रिटेन कॉपी ऑफ मैसेज दैट यू हैव स्टार्टेड बट आर नॉट येट रेडी टू सेंड। आपने आपके मोबाइल में देखा होगा कि आपने मैसेज टाइप किया होगा और आपने अगर सेंड नहीं किया होगा तो वो कहाँ सेव हो जाता है, वो आपके ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। यही क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऐसा फोल्डर होता है जहाँ कॉपी ऑफ मैसेज होती है दैट यू हैव स्टार्टेड बट आर नॉट येट रेडी टू सेंड। आपने उसे सेंड नहीं किया है तो वो रेडी होती है सेंड के लिए, वो कहाँ होती है? ड्राफ्ट में। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। द एबिलिटी ऑफ एंड ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट अ टाइम इज कॉल्ड। तो अगर एक टाइम पे हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं मल्टीटास्किंग बोलते हैं। मल्टीटास्किंग मतलब एक कई टास्क पूरा करना होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डेटा। नॉन न्यूमेरिक डेटा एक अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है, अल्फा न्यूमेरिक डेटा। तो अल्फा न्यूमेरिक डेटा में जैसे किसी का एड्रेस होता है उसमें आपका अल्फा भी होता है और न्यूमेरिक होता है, जैसे मकान नंबर कुछ हो गए, ठीक है, वो हमारे न्यूमेरिक हो गए, उसमें जो नेम वगैरह होता है वो अल्फा न्यूमेरिक, तो ये हो गए। और बाकी न्यूमेरिक डेटा जो होता है, न्यूमेरिक डेटा में आपके जैसे आपके मार्कशीट में जो नंबर होता है, आपके बैंक अकाउंट का जो बैलेंस होता है, वो सारे न्यूमेरिक डेटा होते हैं। क्योंकि नॉन न्यूमेरिक डेटा पूछ रहा है तो इनमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12, कोडेड एंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 11, इसे आप लोग थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा और चेक करके मुझे कमेंट करके बताइएगा इसमें ऑल ऑफ द अबव ही नहीं होंगे या इनमें से कुछ होगा, ये आप मुझे बताइएगा। अगली सेशन में क्वेश्चन को डिटेल में करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 12, कोडेड एंट्रीज विच आर यूज्ड गेन एसेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं पासवर्ड। कोडेड एंट्रीज होती है जो हम यूज करते हैं अगर कोई कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने के लिए, तो उसमें हमें पासवर्ड की ज़रूरत होती है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि बिना पासवर्ड के आप कोई कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, टू मूव टू द बॉटम ऑफ अ डॉक्यूमेंट प्रेस। अगर हम किसी डॉक्यूमेंट को बॉटम में मूव करना चाहते हैं तो हम क्या प्रेस करेंगे? हम करेंगे इंट की। इंट की से हम उस पेज को बॉटम पे, जैसे ये हमारा बॉटम होगा ना, इधर बॉटम होगा, हम इसे अगर किसी ये पेज को अगर हम नीचे लाने के लिए करेंगे, हम इंट की को प्रेस करेंगे, हमारा पेज जो है बॉटम पे आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, आ डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड इज कॉल्ड कॉल्ड अ पेरीफेरल डिवाइस। अ डिवाइस दैट इज़ कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड से जितनी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, छोटा सा मदरबोर्ड होता है हमारे कंप्यूटर में, काफ़ी वहाँ पोर्ट बने होते हैं, उसमें जितनी भी चीज़ें कनेक्ट होती हैं वो क्या होते हैं? वो पेरीफेरल डिवाइसेस होती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड ईजी क्वेश्चन, और कॉमनली ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को ही मिलता है। एन एरर इज़ ऑल्सो नोन एज, जो एरर होता है जब हम कोई सॉफ्टवेयर रन कराते हैं या बनाते हैं, उसमें जो एरर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? बग आते हैं। और इसी की सर्च करने की प्रोसेस को हम डीबग बोलते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में कि जो एरर होता है उसे क्या कहते हैं? तो बग होता है। और एरर को खोजने यानी सर्चिंग करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? डीबग कहते हैं, डीबगिंग भी कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ कीबोर्ड। कीबोर्ड हमारी कैसी डिवाइस है? तो आपको पता है कीबोर्ड हमारी एक इनपुट डिवाइस है। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हेल्प टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर का कौन सा पार्ट जो होता है हमें इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने में हमारी मदद करता है? तो कौन सा पार्ट होता है इसमें से? डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव हमारे कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफॉल्ट मास्क ऑफ क्लास ए आईपी एड्रेस। ये क्लास ए का आईपी एड्रेस पूछ रहा है, क्लास ए का आईपी एड्रेस पूछ रहा है। क्लास ए का आईपी एड्रेस क्या होगा? तो क्लास ए का आईपी एड्रेस होगा 255.0.0.0। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगर क्लास ए का आईपी एड्रेस पूछ रहा है, डिफ़ॉल्ट मास्क होगा, तो 255.0.0.0 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ अ इंटरनेट। ये कॉमन क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछता है। आप लोग आज इंटरनेट काफ़ी यूज करते हैं, इसके बिना समझ लो कि
कोई काम संभव ही नहीं है, कोई काम पॉसिबल ही नहीं है। तो इंटरनेट क्या होता है? एन एसोसिएशन ऑफ डेवलप एडवांस इंटरनेट टेक्नोलॉजी, इसे हम कॉल्ड इंटरनेट कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है ये। टू ड्रॉप अ कॉलम दैट इज़ यूज एज अ फॉरेन की फर्स्ट, इसका होगा ड्रॉप द फॉरेन की कंस्ट्रेंट। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो ये थे टोटल 20 क्वेश्चन और इंग्लिश में थे। आपके कमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन इंग्लिश में प्रोवाइड किए गए हैं। इसकी कुछ सीरीज़ हिंदी में होगी, कुछ सीरीज़ इंग्लिश में होगी, तो दोनों आप देखिएगा और चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। और बाकी आगे आने वाले समय में आपको ये क्वेश्चन बायलिंगुअल दोनों मिलेंगे। चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।